सो गाइस हमारी सेटिंग हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर हम अपने फ़ोन की सेटिंग डेफिनेटली चेंज करेंगे, उसकी जीवन में रंगीनियाँ मचा देंगे, चाहे हमारा जीवन में अंधकार क्यों ना हो, क्योंकि फ़ोन एकमात्र ऐसी चीज़ चल रही है हमारे जीवन में जो हमारे लॉकडाउन के टाइम का सहारा है, हमारे अंधकार वाले जीवन में रोशनी है या हमारे बेरंग जीवन में रंगीनियों का काम करता है। सो गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए सेटिंग करते हैं, एंड मेक श्योर करें कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी को दबा दे, ताकि ऐसी रंगीनियां आपके जीवन में आते जाए और आपके जीवन में रंगीनियां 200 हो जाए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहली सेटिंग बताने के लिए हमने जो है अपनी लोकेशन चेंज की है। जिस तरह से हमने लोकेशन चेंज की है, आप भी अपने फ़ोन की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, ताकि आपके जीपीएस जो है घबरा जाए, उसको जो है पता ही नहीं चले आप चाइना में हैं या नेपाल में हैं या न्यूजीलैंड में हैं या स्विट्ज़रलैंड में हैं। सो कैसे करना है अब हम आपको बताते हैं। इवन आप अपने यहाँ पर दोस्तों को भी उल्लू बना सकते हैं, बता सकते हैं कि आप न्यूजीलैंड में अपनी वेकेशन बिता रहे हैं, बट सच में आप नाला सुपारे में कहीं पे पड़े हुए हैं। सो गाइस आपको इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए सबसे पहले जाना है, डेवलपर सेटिंग को ऑन करना है। उसके लिए आपको अपने फ़ोन के अबाउट फोन में जाना है, देन आपको यहाँ पर बिल्ड नंबर में टैप करना है 5 से 6 बार, अनटिल अनलेस आपके सामने पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर सिस्टम में, कहीं पे भी जाके आपको एक डेवलपर ऑप्शन करके एक चीज़ मिलेगी। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सेलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप। जैसे यहाँ पर इसमें जो है आपके सामने नथिंग रहेगा, ये चीज़ नहीं आएगी। सो इस चीज़ को लाने के लिए आपको यहाँ पर मॉक लोकेशन फेक GPS नामक एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको अगेन यहाँ पर डेवलपर सेटिंग्स में जाना है, एंड डेवलपर सेटिंग्स में आपको यहाँ पर मॉक लोकेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इस सेलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप के अंदर जाके। सो इसे मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है। यहाँ पर जो है आपको जहाँ की भी लोकेशन सेट करनी है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सेट करना चाहते हैं नाइजीर की। सो यहाँ पर नाइजीर में जाके आपको टैप करके रखना है। सो टैप करके रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, आपके ऊपर सामने यहाँ पर टिक होगा। सो इस टिक को क्लिक करेंगे, सो देख सकते हैं अब हम नाइजर के अंदर घुस चुके हैं। इसी तरीके से आप अपने दोस्त को भी यहाँ पर भेज सकते हैं। सो हमने लोकेशन भेजी, आपको हम दिखा देते हैं, ये जो है नाइजर की लोकेशन हमें दिखा रहा है। सो आपके दोस्त हो जाएंगे शॉक, आप कर देंगे रॉक, जय माता दी, लेट्स रॉक। नाउ यहाँ पर दूसरे सेटिंग के बारे में बात करें तो रिसेंटली जो है गूगल ने फ्लॉक का इंट्रोडक्शन किया था। इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। फ्लॉक बेसिकली यहाँ पर जो है गूगल के जो एड्स वगैरह आते हैं या गूगल जो आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह लेता है, उसी को जो है यहाँ पर एक लेवल आगे बढ़ाया जा रहा था। कुकीज़ को हटा के फ्लॉक का इंट्रोडक्शन हुआ था, ताकि आपकी चीज़ों को जो है और अच्छे से गूगल वाले एनालाइज कर पाएँ। सो यहाँ पर जो है अब ये ऑलमोस्ट सभी डिवाइस में इसका ट्रायल जो है स्टार्ट हो चुका है। बट अगर आप जो है अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देना चाहते हैं, आप नहीं बताना चाहते कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, गूगल को जो है आप बिल्कुल बहिष्कार करना चाहते हैं, तो आप इस सेटिंग्स को यहां पर डिसेबल भी कर सकते हैं। नाउ इसे डिसेबल करने के लिए आपको क्रोम को ओपन करना है, अगर आप क्रोम यूज करते हैं। सो यहां पर जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स के जाने के बाद आपको पास यहां पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा, प्राइवेसी सैंडबॉक्स करके आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा, ये जो है ऑटोमेटिकली टर्न ऑन होगा। सो आपको सिंपली इसे जो है अब यहां पर ऑफ कर देना है। जैसे ही ऑफ करेंगे तो आपका जो है यहां पर ट्रायल जो भी ये लोग कर रहे हैं उससे आप ऑप्ट आउट हो जाएंगे, एंड आपको कोई भी यहां पर जो है आपकी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। फ्लैशबैक। हेलो, नहीं पहले तुम रखो, नहीं तुम रखो, तुम दोनों रखो, इनके बाबू का सोना। सो गाइस बहुत बार क्या होता है, हम बात करते करते जो है हमारा नेटवर्क चले जाता है या हमारा वोल्ट ही नहीं आता, इधर उधर उथल पुथल मच जाती है जीवन में अपने नेटवर्क ना आने की वजह से। एक सीक्रेट कोड होता है जिसकी मदद से आप जो है नेटवर्क से रिलेटेड काफी चीजों का जो है मेल मिलाप कर सकते हैं। और इस खुफिया मेन्यू को खोलने के लिए आपको में जाके यहाँ पर टाइप करना है *#*#4636#*##। सो जैसे ही करेंगे आपके सामने अंदरूनी सेटिंग्स खुल जाएंगी, एंड यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे, फ़ोन इन्फॉर्मेशन, यूसेज स्टेटिस्टिक्स एंड वाईफाई इन्फॉर्मेशन। फ़ोन इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी होगी, आपका IME वगैरह भी लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से आप जो है इस ऑप्शन को इनेबल डिसेबल करेंगे तो आपका नेटवर्क यहाँ पर चले जाएगा आ जाएगा। सो यहाँ पर से आप LTE वगैरह सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी नेटवर्क आपको फिक्स सेलेक्ट करना है, एंड वोल्टी वगैरह ऑप्शन को इनेबल डिसेबल करने का भी आपके सामने ऑप्शन आएगा। सो जब भी आपके फ़ोन का नेटवर्क जाए तो यहां पर आके इसे ऑन ऑफ कीजिए, आपकी चीजें जो है फिर से ठीक हो जाएंगी।
जीवन में सारे दुख एक तरफ और दोस्त जो हमें मैसेज भेज के उसे डिलीट कर देता है उसका दुख एक तरफ है, वो हार्ट अटैक अलग से आता है, फिर वो साला हमें दोबारा से भेजता भी नहीं है। तो इनके चोरी को जो है हम पकड़ेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग एंड्रॉयड 11 यूज़ कर रहे हैं उसमें एक ऐसा फीचर है जिससे आपका दोस्त अगर मैसेज डिलीट भी कर दे तो आपकी आंखों से वो मैसेज बच के कहीं नहीं जा सकता है। ये अंदरूनी सेटिंग में ही आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है, जीवन में कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, यहाँ पर 1000 का 1500 लाइक कर दीजिए एंड दूसरों के जीवन में भी वीडियो को फैलाइए शेयर करके। सो इसको इनेबल करने के लिए आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद ऐप्स एंड नोटिफिकेशन करके एक ऑप्शन होगा, उसमें जाना है आपको नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में जाने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन हिस्ट्री करके एक ऑप्शन मिलेगा, इसको यहाँ पर से इनेबल कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इनेबल कर दिया है एंड मेरे को यहाँ पर ये सारी हिस्ट्री दिखा रहा है। सो यहाँ पर जो है अगर मैं देखूँ, ये मुझे 10:30 AM पे आया था, ट्विटर में क्या क्या चीज़ें आई थी 11:12:56, 3:12 PM पे एंड ऐसी सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसी पावरफुल शक्तियाँ मैंने आपको दे दी है कि आप अपने दोस्त को जो है उल्लू का पुल्लू बना पाएंगे। अगली सेटिंग के बारे में बात करें तो बहुत बार जो है चीज़ें गड़बड़ा जाती है, फ़ोन गुम हो जाता है, घर में ही गुम हो जाता है, बहुत लोगों का बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर गुम होने के बाद अगर आपको फ़ोन वापस चाहिए, जिसकी वजह से आपका फ़ोन वापस आ सकता है, उस सेटिंग को आपको इनेबल करना पड़ेगा। आपकी सेटिंग शायद आपका साथ नहीं देगी लेकिन ये वाली सेटिंग डेफिनेटली साथ देगी आपके पुराने गुम हुए फ़ोन को वापस दिलाने में। अब फ़ोन को बचाने के लिए सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आना है। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में ये चीज़ आपकी ऑफ होगी, फाइंड माई डिवाइस, इसको आपको चुपचाप करके ऑन कर लेना है। एंड उसके बाद एक और चीज़, डिवाइस एडमिन ऐप्स में जाके ये जो ऐप है इसको यहाँ पर एडमिन बना देना है। एंड इसको एडमिन बनाने के कारण बहुत हैं, बहुत ही जल्दी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे आप अपने गुम हुए फ़ोन को सिक्योर कर सकते हैं एंड वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बोनस सेटिंग मैं आप सभी निब्बा निब्बी इसको देना चाहता हूँ। जो लोग भी यहाँ पर कैमरे माइक्रोफोन का भरपूर उपयोग करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके जो है सामने वालों से परेशान ना करें कुछ टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए उनको बाबूशोना से दूर जाना है या जीवन के हर एक संकट से दूर जाना है, तो अपने कैमरा और माइक्रोफोन को सिर्फ एक बटन से ऑफ कर सकते हैं। कैसे ना, बोनस सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, यहां पर दोबारा से डेवलपर ऑप्शन में चले जाना है। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पर जो है आपको सेंसर ऑफ वाले को इनेबल कर देना है। उसके बाद जो है आपको यहां पर अपने नोटिफिकेशन पैनल में जाके आपको यहाँ पर से सेंसर ऑफ वाले को ऊपर में ले आना है। एंड ऊपर में ले आएंगे तो यहाँ पर मैं पहले दिखा देता हूँ, ये जो कैमरा है हमारा, अभी कैमरा अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नाउ जैसे ही आप जो है इस ऑप्शन को यहाँ पर इनेबल कर देंगे, अब जो है आपकी ज़िंदगी से सारे कैमरा जो है डिसेबल हो जाएंगे। सो आपका कैमरा वर्क नहीं करेगा या क्रैश हो जाएगा या आपका यहाँ पर जो है माइक्रोफोन भी जो है अब बंद हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा, यहाँ पर कोई सेंसर नहीं वर्क करेगा, समझ लीजिए। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हुई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फैला दीजिए ताकि उनके जीवन में भी इन अंदरूनी सेटिंग के बारे में वो जान पाएँ। सो मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग धसफाड़ू वीडियो साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। तो गाइस यहां पर आज का विचार काफी अच्छा विचार है, ध्यान से सुनिएगा। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं है कि आप चलना छोड़ दें। ठोकर लगने का मतलब ये है कि आप संभल के चलें।